नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा थाना ताजगढ़ क्षेत्र के ग्राम तोरा निवासी मुस्कान पुत्री पवन, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, जो कि एक गरीब दलित जाटो परिवार में संबंध रखती है, जो अपनी जीविका चलाने के लिए ताजगंज स्थित डायनामिक गुलमोहर कॉलोनी फ्लैट नंबर 3 में सोना के यहाँ पिछले 6 वर्षों से झाड़ू पोछे का काम कर रही थी। मालकिन सोना ने मुस्कान के ऊपर 5 लाख के आभूषण चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसकी पिटाई कमरे में बंद करके सोना के पति सतीश और सोना के भाई मनोज ने करीब 1 घंटे तक की। इसके उपरांत लड़की को बसई चौक ले जाकर लड़की की पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की। उसी दौरान बसई चौकी की 2 महिला सिपाहियों कल्पना व पूनम ने लड़की के सर पर डंडे मारे, जिसके कारण लड़की के सिर में गहरी चोट आई है। तत्पश्चात लड़की को तोरा चौकी लाकर तोरा चौकी SI व बसई चौकी SI ने लड़की के साथ मारपीट कर लड़की को करंट तक लगाए और उसके बाद भी पुलिस का मन नहीं भरा तो उन्होंने लड़की को उसके घर लाकर कमरे की कुंडी लगाकर लड़की और उसके छोटे भाई को डंडों व लात घूसों से मारा। सारे पड़ोसी इस नजारे को से चकित होकर देखते रहे, परंतु बाद में सूत्रों से मालूम हुआ कि वो जेवर सोना के घर में ही मिल गए हैं, जिसका इल्जाम मुस्कान के ऊपर लगाया गया था। अब पुलिस ने लड़की पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो चोरी का इल्जाम स्वीकार कर ले। पीड़ित का बाप FIR के लिए इधर उधर घूमता रहा, परंतु उस गरीब की किसी ने एक ना सुनी। FIR ना होने कारण आगरा जिला अस्पताल व अन्य अस्पताल लड़की का इलाज तक नहीं कर रहे हैं। वो कैसे कानून की व्यवस्था है कि पुलिस की मनमानी चलते लड़की धीरे धीरे काल के गाल में समा रही है। लगता है गरीब की तकदीर में सिर्फ मरना और पैसे वालों के हाथ में मारने का अधिकार पूर्व से आ चुका है। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। अपना नाम बताएं। नाम बताएं। कहाँ की निवासी हैं? यहाँ से बगल वाले। ये जगह कौन सी है? तोरा। तोरा। हाँ। आप पड़ोसी हैं इनकी? पड़ोसी हम। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन जब पुलिस आई थी? उस दिन आए थे, लड़की को लेके आए थे, अंदर लेके आए तो मैं जानी है कि इसकी माँ है इसमें अंदर। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने लगाने के बाद कितने पुलिस वाले थे? एक गाड़ी आई है, लड़की है, एक लड़की है और 2 पुलिस वाले पहले आए और फिर आप बाद में आई है। अच्छा, गाड़ी आई थी तो उन्होंने क्या अंदर आके के कुंडी लगा ली थी? कुंडी लगा ली थी, मैं मालूम नहीं था, मैं जाने का सामान है घेर के रख दो, तो हमारे कोई नहीं आया बार वाला। अच्छा। तो आए बार वाले, आए तो हमारे एजेंट का लड़का आया तो उसे अंदर नहीं आने दिया, बाद में बाद आ गया और आए उसे भी नहीं आने दिया, बाद में भजा दिया, कुंडी लगा देंगे, कुंडी लगा के उसकी चटाकी चटाक आवाज आ रही है अंदर से। अच्छा। मार लगाई लड़की ने। अच्छा। हम बड़े जगह जब मार लगा रही, मैंने पता ना हम जाए भाई होते हैं करना जाए मैंने मैं नहीं मारूंगी। कितनी देर तक पुलिस रही है? कितनी देर तक रही? घंटा भर से लग रहा है, घंटा भर रही है। घंटा भर रही है अंदर तो लड़का। आपका नाम क्या है? सुनील। आप लड़की की कौन है? माँ। माँ है आप लड़की की? क्या हुआ था सर? मेरे पास आया 13 तारीख को फोन, शुरू से बताऊं या नहीं? जो आपके साथ घटना घटी है इतना लंबा मत बताएं, जो घटना घटी बस वही बताएं। ठीक है, तो मैं यहाँ से 14 तारीख को बुलाई थी, 14 तारीख को मैं सवेरे भी लेके गई हूँ, 13 तारीख को शाम को भी लेके गई हूँ। 14 तारीख को मैं ले गई थी तो मेरे साथ बोले कि तुम चिंता मत करो, जो होगा जो हम पूछ लेंगे। मैं ठीक है तुम पूछ लो, अगर हम पे होता तो हम लेके क्यों आते, हम तो अपनी बात लेके आए ना कि हमें पे है नहीं ये चीज़, 6 साल से हम तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, तुम्हें तो हमारी सब बात इनकी पता होगा कैसी आ रही है तो कैसी ना है। और जिनने जो कही थी कि ममता पे 2.5 लाख रुपये की वो मिली है कि 2.5 लाख रुपये ममता ने निकाला है, तो जे हमने कही थी ममता ने निकाला है जो पहले लंबा तो समूह में से 2.5 लाख रुपये मिलते नहीं है, 2.5 लाख रुपये मिले हैं तो उसका सबूत तो देखो कहाँ से मिले हैं कैसे मिले हैं 2.5 लाख रुपये, उसका वो भी देखो हमारा भी देखो। अगर हम ऐसे ही काम करते तो 6 साल पहले कर लेते, जब जब लगे लगे शुरू शुरू में हम क्यों करते। बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है, हम देख लेंगे किस पे ना, तो ठीक है तुम देख। नहीं तो उन्होंने जब इसके साथ किया घटना जी करी तो क्या उन्होंने किया, इसे बुला के मारपीट करी? मैं बाहर बैठी थी और मेरे से कह रहे कि पूछ जांच कर रहे हैं अंदर ले जाके। अच्छा, तुम बाहर थी? हाँ, मैं बाहर और इसे अंदर मारपीट कर रहे थे। हाँ, तो मैं टॉयलेट करने चली गई थी शाम की। उनके नाम क्या है जिन्होंने मारपीट करने? सोना, सतीश, मनोज। मनोज, ये सतीश कौन है? सोना का पति। और मनोज भाई? भाई है। किसका? मनोज का? सतीश का? सोना। सोना का, यानी उसका साला है वो। हाँ, साला है। अच्छा, उसकी कॉलोनी में भी अच्छी वो है ना, और वो ऊंची बाम है ना कॉलोनी में, सारे डरते हैं, सब उन्हीं की गवाही देते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर पुलिस ने क्या करा इसमें? मैं टॉयलेट करने चली गई। बेटा पहले अपना नाम बता, नाम क्या है? मुस्कान। ये और ये कहाँ काम करती थी? और कितने साल से? 6 साल।
किन के यहाँ काम करती थी? मनोज के यहाँ करती, बाकी यहाँ करती सोना के यहाँ। सोना के यहाँ? हाँ। इसका पति का नाम क्या है? सतीश। सतीश? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था? चोरी के इल्जाम में फंसाया गया था। उन्हें इल्जाम क्यों लगाया, इसके पीछे कुछ कारण है? नहीं, मतलब मेरे ऊपर ये कह रहे थे कि चोरी तूने करी हुई है। अच्छा। हाँ। और मैंने मना करी थी, मैं चोरी नहीं करी, घर पे तलाशी लेने भी लाई थी मैं, घर पे सब सामान को फैला गई पुलिस भी, वहाँ पे भी पीटा था मुझे। कहाँ पीटा था, कहाँ पीट? घर पे। किन किन ने पीटा था? मनोज, सतीश और सोना। और कितनी देर, कभी कितनी देर तक पीटा था? या हाँ, मैं 9 बजे की गई थी, 1 घंटा 2 घंटा पीटी थी मैं। अच्छा, पीटा किस चीज से था? लात थप्पड़ों से। अच्छा, और उसके बाद और पुलिस चौकी भी ले गए थे वो लोग? हाँ। कौन सी पुलिस चौकी? क्या बात। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या कहा उन्होंने, कुछ कहा? यहाँ के साथ ले कर चले गए मैं दोनों बहन भाई को। तोरा चौकी लेके गए थे? हाँ, तोरा चौकी में शॉट लगाए थे बत्ती के साथ पूरी। अच्छा, तोरा चौकी में बत्ती के शॉट भी लगाए गए थे? हाँ। किस किस को? तुम्हें और तुम्हारे भाई को? खाली तुम्हें? हाँ। अच्छा, और उसके उपरांत फिर छोड़ दिया? मेरे को दीवार डंडा दिया था मुड़ में, तो मेरे को इसके पास होश नहीं रहा। अच्छा, डंडा किसने मारा था? लेडीज ने। लेडीज पुलिस ने? हाँ। नाम पता है पुलिस का? हाँ। क्या नाम है उसका? कल्पना, पूनम। कल्पना और पूनम? हाँ। बसई चौकी में है ये? हाँ। तोरा में? तोरा में, ताजगंज वाली में। अच्छा, कल्पना और पूनम नाम है उनके। ठीक है, ओके।